दोस्तों मार्केट रिव्यू में हम लोग देखेंगे कि 12 नवंबर को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों कल जैसा वीकली एक्सपायरी भी है तो वीकली एक्सपायरी कौन से रेंज में क्लोज हो सकता है ये हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेंज के ऊपर। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं, डेली वीकली और टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोस है, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाकर देखेंगे कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी से। यहाँ पे जैसे कि निफ्टी पॉजिटिव है 118 पॉइंट और बैंक निफ्टी 239 पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी स्टॉक मैंने कल रिकमेंड किए थे उसके टारगेट अच्छे हो गए और निफ्टी का भी एक परफेक्ट टारगेट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी का पूरा चार्ट देखते हैं। जब भी निफ्टी ने रिसेंट ऑल टाइम हाई 12,430 का जो लेवल ब्रेक किया था तो मैंने फिबोनाची से जो टारगेट निकाला था 12,768 का, मैंने कहा था अभी नेक्स्ट टारगेट यही होगा। और ये ब्रेक होने के बाद हम लोग ऊपर वाले टारगेट देखते हैं कि ऊपर वाला टारगेट भी मैंने जो निकाला था 13,000 और उसके ऊपर वाले भी है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है उसके बाद हम लोग ऊपर वाले टारगेट देखेंगे। तो ये जो टारगेट मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली होगा, मैंने आपको कहा था अगर जो मैंने टारगेट दिया था 12,768 यहाँ पे देखिए और आज का जो हाई है 12,769 एक ही रुपए से ज्यादा गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो मैंने टारगेट निकाला था ऑलमोस्ट 1 रुपए का फर्क है, यानी कि एकदम ऑन डॉट अपना टारगेट हुआ है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक देने चाहिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि ज्यादा लोग देखें। अगर ज्यादा व्यूज आते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे आपको लेवल दे दूं और ऐसे टारगेट बनाऊं। तो देखिए कि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो पूरे दिन में निफ्टी ने क्या किया कि ओपन होने के बाद जब ये टारगेट को जब भी टच किया वैसे ही बहुत सेलिंग आ गया और मार्केट नीचे गया। फिर से सेकंड हाफ में मार्केट ने कवरिंग दिखाई है। तो आज का जो कैंडल है देखा जाए तो आखिर में जो कैंडल बना है बहुत अच्छा बना है, एक बाइंग प्रेशर यहाँ पे है। लेकिन इतना जो ये होता है कि जब मार्केट ट्रेवल होता है और उसके बाद ऐसे कैंडल आता है तो हम उसको हैमर नहीं बोलते कि उल्टा हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि कभी मार्केट जब भी एक ट्रेवल करता है उसके बाद कोई मुझे लगता है कि कोई नेगेटिव कैंडल या कुछ आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव कैंडल है, लेकिन जब ये हैंगिंग मैन आता है टाइप जो कैंडल है पूरा नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर इसका लो ब्रेक होता है तो एक थोड़ा नेगेटिव हो सकता है या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज जो लेवल है उसके ऊपर आप रिस्पेक्ट करो। तो यहाँ पे एक जो अपना लेवल जो था कल का हाई ब्रेक करके गया मार्केट, फिर से उसके नीचे भी आया था और उसके ऊपर ही क्लोज हो गया। अगर नॉर्मली जैसे कि मार्केट ने जो लेवल ब्रेक किया है ये जो है 10,430 वाला, तो मार्केट कभी भी थोड़ा सा नेगेटिव हो कि ये लेवल पे आके अगर सस्टेन होकर रिवर्स होता है ये भी एक पॉजिटिव है, लेकिन ये लेवल तक आने के लिए मार्केट को थोड़ा नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो होने के लिए जब भी ये आज का कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो ये नेगेटिव होकर यहाँ तक बाउंस होगा, तभी भी आपको शॉर्ट का एक ट्रेंड मिल सकता है। और ये लेवल ब्रेक होता तो वो ज़्यादा शॉर्ट का लेवल मिल सकता है, बट यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है और उसके बाद यहाँ से रिवर्स होता है कि नहीं होता है ये भी आपको देखना है। इमीडिएटली अगर ऐसे कैंडल आ गया तो कल कोई भी लेवल पे कहीं पे भी आपको सेल नहीं करना है। अदरवाइज अगर ये मेरा लेवल जो है 12,768 के ऊपर क्लोज होता है तो और भी ऊपर के लेवल है जैसे कि 13,000 का लेवल वो भी आ सकता है। और ये जो मैंने ये कहा था कि चैनल, तो चैनल का अपर लेवल को भी टच कर सकता है। लेकिन हम लोग कल के लिए कुछ लेवल देखेंगे जो कि इंट्राडे के 5 मिनट में, तो इंट्राडे के 5 मिनट में देखते हैं कि मार्केट ने जो आज मोमेंटम किया था बहुत ही खतरनाक था। जो अगर आप देखो प्रॉपर आपको प्राइजेशन समझता है तो हमने जो लेवल कहा था उसके ऊपर बाय करना है, उसका नेक्स्ट लेवल भी आ गया। अभी ये लेवल के ऊपर गया तो मोस्टली ये जो लेवल था जो कि अपना 12,700 12,768 है यहाँ पे देखिए जैसे गया कितना बड़ा सेलिंग आ गया। और उसके बाद मार्केट यहाँ से कवर होने के बाद फिर से ये लेवल के कहीं आसपास ही क्लोज हुआ है। तो कल फिर से बाय करना है तो 12,768 के ऊपर जाता तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। सेलिंग के लिए मेरा 15 मिनट्स का जो लेवल है
12,680 के नीचे यहाँ पे सेल कर सकते हो। कल जैसे वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी का लेवल जो है कि हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे, तो हम लोग जल्दी ऑप्शन चेन जाके देखते हैं। हम लोग कॉल साइड में देखेंगे क्या रेजिस्टेंस है, तो हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट कितना है और जैसे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस वो है 12,900। उसके अगर हम लोग थोड़ा नीचे देखेंगे तो वो है 12,800। तो यहाँ पे 12,000 जो 800 है इसमें थोड़ा सा कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, और 900 में जो कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। तो हम लोग 900 को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा रूम यहाँ पे होगा। उससे ज्यादा भी 13,000 वाला जो है 13,000 का जो है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट और कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे मुझे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा दूर है। फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो कि 13,000 मैक्सिमम जो है कि ए लेवल भी आ सकता है। मार्केट में वोलेटिलिटी है, नजदीक वाला से हम शुरुआत करते हैं तो अगर हम लेते हैं तो 11,900 हमको एक मिडल वाला हम लोग इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट की सपोर्ट, सपोर्ट अगर देखो तो 12,700 जो कि एटीएम जो चल रहा है मार्केट, यहाँ पे आप देखोगे तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 21,09,000, यानी कि बहुत ही बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है जो यहाँ पे ऐड हो गया, प्लस कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे जाता है। तो ये सबसे सपोर्ट रहेगा जहाँ पे मार्केट लगभग है। अगर 12,700 ब्रेक होता है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि एक सपोर्ट रहता है, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। 12,700 से 12,900 के बीच में एक्सपायरी होना मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। बाकी ये आपके रेफरेंस के लिए लेना, ऐसा नहीं कि इसको देख के आप कोई ट्रेड ले लो, अगर लेना है तो आपके रिस्क के ऊपर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी है कि आज निफ्टी से थोड़ा सा जैसे कि हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, बट ऐसे कुछ नहीं कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव लग रहा है। सिर्फ अगर हम लोग कैंडल को बाइंग प्रेशर में बोलते हुए अगर हैंगिंग मेन बोले तो ये नेगेटिव होता है, लेकिन उसका भी इसके नीचे अगर क्लोज देता है या नीचे जाता है तो एक नेगेटिव होगा। और जैसे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जो गैप छोड़े वो भी हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे ओवरऑल जैसे कि अभी तक ग्रीन कैंडल ही बन रहा है तो एक नेगेटिव का कोई स्ट्रांग सिग्नल नहीं है, बट आज का जो लो है वो देखना कि आज के लो के नीचे कल अगर जाता है तो एक नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज बाकी जो लेवल है जो मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर और नीचे वाले कल दिए उसको ही कंसिडर करना। हमारे लेवल कभी चेंज नहीं होते हैं, और वही पे क्या होता है वो आपको मालूम भी है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्शन होता है। जैसे कि मैंने रिलायंस के बारे में आपको कहा था कि ये जो लेवल है 2104 से लेके जो लेवल था 2080, तो एक सप्लाई जोन है। और यहाँ पे मैं कोई भी रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे सेलिंग भी हो सकती है, या ऊपर अगर ब्रेक होता है 2104 तभी हम लोग बाय करेंगे। तो यहाँ पे रिलायंस ने आज ये लेवल से अच्छा खासा सेल दिया है। नेक्स्ट 1997 जो लेवल है वहाँ पे ही क्लोज दिया है, जो कि अपने लेवल पे ही क्लोज दिया है। नेक्स्ट जो है 1960 लेवल है, अगर ये लेवल कटता है तो और भी नीचे जा सकता है। ये लेवल पे आसपास फिर से एक आधा ग्रीन कैंडल होता है तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग थोड़ा इतना गिरने के बाद थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे नेक्स्ट कौन सा लेवल आता है। मैंने कुछ कॉल नहीं दिए पहले भी, तो उसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि मैंने ये कल नहीं दिया था, परसों इंदाल को दिया था, तो वो लेवल में मैंने बताया था कि वो लेवल से नीचे आते हुए हम लोग बाय नहीं करते। लेकिन देखिए सेम लेवल, जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ से नीचे आए तो हम लोग बाय नहीं करते। ये जो मेरा लेवल था उसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट दिया और तभी गया तो अच्छी तरह बाइंग हो गया। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ट्रेड कैसे लेना, तो देखो ट्रेड अगर बाइंग का है तो ऊपर जाते हुए लेना वो बेस्ट रहेगा। और मैंने दिए गए हुए जो लेवल है बाद में भी आते तो चलते हैं, तो हिंदाल्को का जो है कि बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम किया। कल हमने जो कॉल दिए थे एलएनटी का, तो यहाँ पे देखिए एलएनटी बहुत ही अच्छी तरह चला। एलएनटी में और भी पोटेंशियल है, तो आप कल के लिए भी एलएनटी को देख सकते हो, जो कि आज अच्छा उसमें मूवमेंट आ रहा है। आज के हाई के ऊपर 1062 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हो। बजाज फाइनेंस और मैंने दिया था कल, अब पहले बजाज फाइनेंस में हमने किया था, अभी बजाज फाइनेंस को दिया था। ये अभी लगभग 4% ऊपर हो गया, इसमें भी आज के हाई के ऊपर कल आप देख सकते हो 6,970 के ऊपर इसमें ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग
टाटा मोटर भी दिया था हमने कल, आज ये 3.25% ऊपर गया, बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया है। इसका भी कैंडल बहुत ही अच्छा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। कल भी आप टाटा मोटर्स में जो है कि देख सकते हो 151 के 151 50 के ऊपर यहाँ पे बाय करने के लिए। अभी कल के लिए मैं कुछ नए स्टॉक भी रेकमेंड करता हूँ, जैसे कि आईओसी। आईओसी भी में एक पॉजिटिव कैंडल बन रहा है यहाँ पे, एक लेवल के बाद, ये जो लेवल था उसके बाद, तो यहाँ पे हम लोग 85 के ऊपर, 85.20 के ऊपर अगर कल जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। अल्ट्रा केमो भी एक नजदीक वाला जो लेवल है उसको ब्रेक किया है, तो अल्ट्रा केमो के लिए हम लोग 4857 के ऊपर इसमें आप बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ कवर किए, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना तब के फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए, और आपको ऐसे टेक्निकल सीखना है मेरे साथ लाइव मार्केट में ऑनलाइन, तो आप मेरे साथ सीख सकते हैं। दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।